नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ राजनीति की लड़ाई का अंतिम रणभेरी फूका जा चुका है। बिहार में दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी लश्कर, अपनी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो सबसे अंतर है दोनों महागठबंधनों में, उसमें देखने को ये मिल रहा है कि जहां एक तरफ एनडीए पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रहा है, वहीं महागठबंधन में कई बातों को लेकर आपस में पेंच फंसा हुआ है। ये पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिन बाद 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चुनावी रणभेरी का आगाज करेंगे। रैली भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प रैली के नाम से आयोजित की है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इसमें महागठबंधन से ज़्यादा एकजुटता है। जहां 3 फरवरी को आयोजित कांग्रेस की रैली को महागठबंधन के लोगों ने ही फ्लॉप बता दिया, वहीं एनडीए की रैली के लिए उसके घटक दल रैली की सफलता के लिए दिन रात एक लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रयास और रैली की तैयारी में जदयू और एलजेपी जुटा हुआ है। वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो कई सीटों को लेकर के और सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन के बीच जमकर नूरा कुश्ती हो रही है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। असल में सीट बंटवारे में कई पेंच हैं। बिहार में आधा दर्जन के करीब ऐसी सीटें हैं जिस पर 2 से 3 घटक दलों के दावा और दावेदारी है। इन्हें अपने पास रखने के लिए सभी दल चुनावी चौसर पर अपने अपने दाव चल रहे हैं। इतना तो तय है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा राजग से पहले नहीं होगा। हालांकि राजग, जिसे एनडीए आप कहते हैं, के घटक दल फिलहाल संकल्प रैली की पूरी तैयारी में व्यस्त हैं। पहले दरभंगा की बात हम कर लें। दरभंगा को लेकर के जहां एक तरफ कीर्ति झा आजाद, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं, वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी का दावा भी पूरा जबरदस्त है और उनके साथ राजद का उनको समर्थन प्राप्त है। वहीं इस सीट पर सीपीएम की भी निगाह टिकी हुई है। इतना ही नहीं, राजद के भी कई ऐसे पुराने प्रत्याशी हैं जो पहले दरभंगा सीट से अपना किस्मत आजमा चुके हैं और जीत भी चुके हैं, उनका भी मन कहीं ना कहीं दरभंगा सीट को लेकर डोल रहा है। वहीं बेगूसराय की बात करें तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी हुई और जमशेद अशरफ इसमें सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं बेगूसराय की सीट को लेकर कन्हैया कुमार लड़ने की तैयारी में है और सीपीआई इस सीट को अपना सीट मान रही है। राजद भी इस सीट को लेकर के गंभीर हो गई है। राजद के तनवीर हसन लड़ना चाहते हैं इस पर चुनाव। वहीं कांग्रेस के विधायक अमिता भूषण भी बेगूसराय सीट पर अपना दावा पेश कर रही हैं। फिलहाल कन्हैया ने भी बेगूसराय की आने जाने का सिलसिला जारी रखा है और इसके साथ ही इतना ही नहीं है, इसके साथ अभी और भी कई सीटें हैं। जैसे आरा की सीट बांदल अपने हिस्से में चाहता है, वहीं राजद अपनी दावेदारी कर रहा है। झंझारपुर की सीट की बात करें तो वहां भी राजद की दावेदारी है। इसके साथ ही अगर बात करें शिवहर की, तो शिवहर में भी पेंच फंसा हुआ है। देवेंद्र प्रसाद सपा के, वो भी झंझारपुर सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मोतिहारी सीट की बात करें, तरालोसपा चाहती है कि वो लड़े और वहीं राजद चाहता है कि वो अपनी प्रत्याशी को खड़ा करें। महाराजगंज लोकसभा चुनाव राजद अपने खाते में रखना चाहता है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहीं महाचंद्र प्रसाद सिंह इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे दावेदार हैं जो अलग अलग सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। महागठबंधन में 6 से ज़्यादा पार्टियां हैं
ऐसी स्थिति में एक ही सीट पर अलग अलग दावेदारी होगी तो मामला तो फंसेगा ही। लगातार तारीख पे तारीख देने के बाद भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। वहीं एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर लिया है और एनडीए की तरफ से ये भी बात कही जा रही है कि सीट भी हमारा लगभग फाइनल है। इन सब बातों को लेकर जहां एक तरफ महागठबंधन बैकफुट पर है, वहीं एनडीए फ्रंटफुट पे खेल रहा है और 3 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जुड़े रहिए न्यूज बिहार और भारत लाइव के साथ, हम आपको हर खबर से रखते हैं बाखबर। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।